आलिया भट्ट और रणवीर स्टारर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी सिनेमाघरों में रिलीज के बाद से ही सुर्खियों में है, जहां फिल्म को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है और फैंस रणवीर और आलिया की एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं इस फिल्म में शबाना आजमी और धर्मेंद्र भी हैं, और जहां रणवीर और आलिया से ज्यादा शबाना और धर्मेंद्र की चर्चा हो रही है, क्योंकि फिल्म में दोनों की एक सीन को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल फिल्म में एक सीन आता है जिसमें शबाना आजमी और धर्मेंद्र रोमांस करते नजर आते हैं, जहां दोनों को फिल्म में किस करते देखा जाता है, जिसके बाद अब इसी बात को लेकर सोशल मीडिया का पारा हाई हो गया है, जिसके बाद इस बवाल को देखकर अब धर्मेंद्र के साथ किसिंग सीन को लेकर खुद शबाना आजमी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल एक टीवी इंटरव्यू में शबाना आजमी ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटी सी किस को लेकर इतना बज होगा, क्योंकि जब हम फिल्म में किस करते हैं तो लोग हंसते हैं और खुश होते हैं। साथ ही शूटिंग के दौरान इसे लेकर कभी कोई मुद्दा नहीं था। हालांकि ये बात भी सच है कि मैंने स्क्रीन पर ज्यादा किस नहीं किया है, लेकिन कौन नहीं चाहेगा धर्मेंद्र जैसे हैंडसम आदमी को किस करना। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने आगे बताया है कि किसिंग सीन को लेकर उनके पति जावेद अख्तर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जिस बात से उन्हें फर्क पड़ता है वो है मेरा राउडी बिहेवियर। वही हम आपको बता दे कि करण जौहर द्वारा निर्देशित फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, शबाना आजमी, धर्मेंद्र के अलावा जया बच्चन भी अहम रोल में हैं, जहां फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की लव को दिखाया गया है। वैसे इस फिल्म को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।